तो स्वागत है एवरीवन आप सभी का एक और नई वीडियो पे। एंड आज मैं बात करने वाला हूँ मिथिक वर्सेस विदाउट मिथिक। लाइक आप सभी जानते हैं कि मिथिक वाले अपोनेंट आ जाते हैं तो आप सब डर जाते हैं। मतलब कई सारे लोग ऐसे हैं जो डर जाते हैं कि भाई मिथिक मेरे पास नहीं है, उसके पास है इसलिए वो जीत गया। तो अब ये एक्सक्यूज नहीं देना है गाइज, बिकॉज मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आप इजिली मिथिक को हरा सकते हो, इवन कि वो फेंद्रियर ही क्यों ना हो। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूँ गेम दिखाते हुए। तो मैं दिखाता हूँ, मेरे अगेंस्ट में फेंड्रियर आया था और मैं अपने आंगनवाड़ी डेस्क से यूज़ कर रहा था, और देखो मैं कैसे इसको बीट करता हूँ। तो कभी भी आपको घबराना नहीं, कोई कितना भी बड़ा मिथिक लेके आ जाए आप इजीली काउंटर कर सकते हो, बस आपको सही टाइमिंग का ध्यान रखना है। तो जैसे ही मैंने आर्चर ट्रेनिंग कैंप यूज़ किया, सामने वाले ने फेंड्रियर यूज़ कर दिया, वो भी लेवल 11 का। तो मैं ज़्यादातर ट्राई कर रहा था आर्चर यूनिट जितना भेज सकूँ भेज दूँ, बिकॉज आर्चर यूनिट से आप जल्दी फेंड्रियर को अटैक कर सकते हो, ख़त्म कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने रॉयल आर्चर्स भी यूज़ कर दिया है, और रॉयल आर्चर्स को देख रहा हूँ मैंने राइट से किया, बिकॉज मुझे पता है फेंडर लेफ्ट साइड आएगा, क्योंकि जो सेंटर से लेफ्ट साइड होता है ना उधर ही जाता है, तो अभी फेंडर लेफ्ट आना चाहिए, बट उसके सबसे क्लोज में मेरे राइट वाले ट्रूप्स थे, राइट वाली यूनिट थी, तो इसलिए उसने राइट में अटैक किया। और अभी मैं एक और रेंज यूनिट का ट्राई करूंगा, मैंने डेथ मार्क भी दे दिया बिकॉज मुझे पता है इसको मारना थोड़ा मुश्किल होता है। तो यहाँ पे फिर से मैं ट्राई कर रहा हूँ जितनी रेंज यूनिट भेज सकूँ उतना बेटर रहेगा, और अभी मेरे पास कोई रेंज यूनिट है नहीं, तो मैं एक कोई भी यूनिट भेजूंगा और अगेन रॉयल आर्चर से भेजने वाला हूँ। जी हाँ बिल्कुल। तो आप मतलब जितनी भी मिथिक आए ट्राई करो कि आप आर्चर यूनिट या रेंज यूनिट जो कहते हैं आप उससे ही अटैक करो, बिकॉज उससे इजी होता है मिथिक को ख़त्म करना, और वो भी आर्चर यूनिट को आप सामने में भेजना, डायरेक्ट लेफ्ट या राइट से अटैक करना। लाइक अगर वो लेफ्ट से आ रहा है तो आप सेंटर में भेज दो आर्चर यूनिट, जिससे आप इजिली ख़त्म कर सकते हो। और इस गेम पे मैंने एक बार नहीं दो दो बार मिथिक को मारा है, इवन तीन तीन बार आप कह सकते हो। तो आप ज़रूर देखना कि आप कैसे इजिली काउंटर कर सकते हो मिथिक को। और बहुत सारी और भी यूनिट आती हैं जाए लाइक मुशाशी, एल्फ हंटर्स, मतलब इनसे भी आप काउंटर कर सकते हो, बट मैं अपने डेक की बात कर रहा हूँ कि लाइक जो डेक मैं यूज़ करता हूँ तो मैं कैसे मिथिक को काउंटर करता हूँ। अगेन फेनरी रहा है, अगेन मैंने डेथ मार्क दे दिया आंगरा का, जो कि उसकी हेल्थ कम करता रहेगा, और एज सुन एज उसकी हेल्थ 25% तक हो जाएगी वो ऑलरेडी डेड हो जाएगा। और यहाँ पे ऑलरेडी रॉयल आर्चर्स थी फील्ड में, तो मैं और ट्राई करूँगा जितनी आर्चर यूनिट भेज सकूँ, बट वही यूनिट काम कर जाएंगी। और यहाँ पे उसने हीलिंग के लिए लगा दिया है फेनरियर को, और यहाँ पे थोड़ा ग्लिच हो गया था जो कि फेनरियर दिखा नहीं हमें, एंड वो ऑलरेडी है अभी वहाँ पे। और अगेन मैं यहाँ पे रॉयल आर्चर्स राइट में भेजूंगा, देख रहे हो, क्योंकि फेनरियर लेफ्ट से आ रहा है, तो इस यहाँ पे क्या होगा थोड़ी एडवांटेज मिलेगा, वो डायरेक्ट खत्म नहीं कर पाएगा मेरे रॉयल आर्चर्स को। तो अभी भी देखते हैं क्या होता है। और जी हाँ, यहाँ पे इजिली मैं ख़त्म कर दूंगा इस फेनरियर को भी, इवन कि हीलर भी आ चुका है उसके साथ, फिर भी मेरी रॉयल आर्चर्स इजिली ख़त्म कर देंगी। और ये हमने दूसरी बार मिथी को ख़त्म कर दिया, और इवन कि अभी एक बार और आने वाला है, और अब अगेन आ चुका है फेनरियर, और मैं इसको फिर से काउंटर करूंगा, तो आप ज़रूर देखना। और इस बार फिर से मैंने डेथ मार्क दे दिया उसके आते ही, बस ये है कि आपको अपनी सीपी का सही तरीके से इस्तेमाल करना है, और उससे आप इजीली ख़त्म कर सकते हो। और सामने वाले ने रिकार्नेशन यूज़ कर दिया, तो एक बार और फेनरियर आ जाएगा मरने के बाद। लाइक रिकार्नेशन यूज़ करने पे जितनी भी यूनिट डेड होती हैं 10 सेकंड के अंदर वो सब आ जाती हैं, और अगेन फेनरियर आ गया, और इसका कलर अभी आप इग्नोर करना बिकॉज ये थोड़ा ग्लिच है। देन अगेन फेनरियर आ चुका है, और इसको भी हम इजिली ख़त्म करेंगे। जी हाँ, मेरी रॉयल आर्चर्स ऑलरेडी फील्ड में है, तो इजिली ख़त्म कर देंगी इस फेनरियर को भी। और अब मैं दोनों साइड हॉस्पिटल बना दिया हूँ, और अब मेरी स्ट्रेटजी है बस थोड़ा थोड़ा स्पैम करना है लेफ्ट और राइट दोनों साइड से। तो एक साइड की बिल्डिंग हमें मिल जाएगी, गार्ड टावर ऑलरेडी मिल जाएगा, बस हमें दोनों साइड स्पैम करते रहना है। और राइट साइड ज़्यादा स्पैम हो चुका है, लेफ्ट साइड मैंने 3 CP यूज़ कर दिया, तो अब यहाँ से मेरा विन इजिली हो चुका है, मतलब बहुत क्लोज हुए विन के। मैं दोनों साइड स्पैम कर रहा हूँ, देख रही हूँ ये मेरी स्ट्रेटजी होती है कि दोनों साइड से स्पैम करना मेरे डेक की, आपकी डेक की जो भी स्ट्रेटजी है आप उसको यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे फेनरियर के अगेंस्ट में मैं इजिली विन होता हुआ नजर आया, इवन कि उसने तीन तीन बार चार चार बार फेनरियर को मैंने मार दिया, इवन कि मेरे गार्ड टावर को भी 1 HP तक कम नहीं हुई। तो ये होता है एडवांटेज, अगर आप मिथिक नहीं नहीं भी है आपके पास तब भी इजिली आप बीट कर सकते हो मिथिक वाले को। तो आगे से डरने का नहीं, आंगरा यूज करने का और मिथिक को गायब कर देने का। तो ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही गाइस, कल फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।